तो ये राम का नाम लोगे तो इसका फायदा ये है कि तुम्हारा चित्त ऑटोमेटिक संसार से हट करके राम जी के चरणों से चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? एक होता है लगना, एक होता है चिपकना। जो चिपक जाता है महाराज उसे छुटाना बड़ा कठिन होता है, लग जाए तो फिर मन हट भी जाता है बड़ा जल्दी। लेकिन अगर एक बार चित्त में राम नाम चिपक गया तो वहां से फिर मन को हटा पाना बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव है साहब। इसीलिए राम नाम की स्तुति हमारे संत गण गाते हैं। बोलो उस राम नाम की महिमा की हम स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। किसको? बोले कृषानु भानु और हिमकर, अग्नि सूर्य और चंद्रमा में भी यही राम नाम समाया है। कैसे? बोले कृषानु से यदि रकार निकाल दो तो क्या होगा? कसान। भानु से अकार निकाल दो तो भानु, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। और हिमकर से महाराज मकार निकाल दो। तो इन तीनों से यदि इस राम नाम के शब्द को तत्व को निकाल दिया जाए तो यह तीनों का कोई अपना अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो राम की महिमा ऐसी है। बाबा तुलसी कहते हैं कि यह अग्नि सूर्य और चंद्रमा में भी विदित है।